Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do the chapter 2 of your English textbook Mridang. The name of the chapter is Greetings. So in this video, we are going to learn different concepts. So I hope all of you are ready. As this chapter is very lengthy, we will cover this chapter in parts. So this is the part 1. Let's see the first portion of your chapter. Okay, so in the first part, it is saying, let us read. We have to read the given text. So let's start. Here it is saying greetings. Greetings मतलब क्या होता है? Greetings मतलब students होता है किसी को हम जब wish करते हैं कोई भी चीज तो उसको हम कहते हैं greetings. Okay? Let's see what is written here. When I meet someone, I say namaste. जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं नमस्ते बोलती हूँ. यहाँ पर हम और भी शब्दों का यूज कर सकते हैं. जैसे कि let's say मैं किसी से मिलती हूँ या मिलता हूँ तो मैं hello भी बोलता हूँ या बोलती हूँ. Okay? So hello, namaste, ये सब जो words हैं ये greetings हैं. तो जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? Namaste. Next is good morning. So see, when I meet someone in the morning, I say good morning. जब भी मैं सुबह के टाइम किसी से मिलता हूँ, कोई भी मुझे सुबह दिखता है, तो मैं उनको good morning wish करता हूँ. Similarly, when I meet someone in the afternoon, I say good afternoon. जब भी दोपहर के समय, afternoon मतलब दोपहर के समय, okay? जब भी मैं दोपहर के समय किसी से मिलता हूँ या मिलती हूँ, तो मैं क्या wish करता हूँ या करती हूँ? Good afternoon. Okay, then see the next. Good evening. When I meet someone in the evening, I say good evening. जब भी मैं शाम में किसी से मिलती हूँ, तो मैं क्या विश करती हूँ? Good evening. Let's see the last thing. When I go to bed, I say good night. जब भी मैं बेड पे सोने जाता हूँ, तो जो भी मेरे आसपास लोग होते हैं, उनको मैं good night विश करता हूँ. ओके, सो हमने बहुत सारे नई नई चीजें सीखी. हमें कब क्या बोलना चाहिए ये भी हमने सीखा. तो नमस्ते जब भी हमें कोई मिले तब बोलना चाहिए. गुड मॉर्निंग जब सुबह का टाइम हो तब बोलना चाहिए. गुड आफ्टरनून जब दोपहर का समय हो तब बोलना चाहिए. गुड इवनिंग जब शाम का समय हो और गुड नाइट जब रात का समय हो तब बोलना चाहिए जब हम सोने जाते हैं. Okay, so with this we have covered this part. Let's see the next part. Here it is saying, let us write. यहाँ पर हमको match करना है pictures को sentences के साथ, सही pair के साथ match करना है. तो चलिए देख लेते हैं. पहला लिखा है, I comb my hair. मैं अपने बालों को कंघी करता हूँ. तो कहाँ पर आपको इमेज दिख रही है? Yes, it is here. तो हम इसको इस picture से मिलाएंगे. Second है, I see my teacher. मैं अपने teacher को देखता हूँ. Okay, so ये कहाँ पर है? Yes, so we will match this sentence with this picture. Next है, I eat my food. मैं अपना खाना खाता हूँ या खाती हूँ. तो इमेज इससे मैच हो रही है तो हम यहाँ मैच करेंगे. Next है, I hear the bell ring. मैं घंटी की आवाज सुनता हूँ. तो ये कहाँ पर है या सुनती हूँ? यहाँ पर. तो हम इससे मैच करेंगे. Next है, I walk to school. मैं स्कूल चलकर जाता हूँ. तो ये कहाँ है? Yes, this is the image, so we will match here. The next is, I play football. मैं फुटबॉल खेलता हूँ. तो ये आप इमेज देख पा रहे हैं, तो इससे हम मैच कर देंगे. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है, राइट दीज लेटर्स. वी हैव टू राइट दीज लेटर्स. हमने पहले ABC सॉन्ग किया हुआ है पिछले चैप्टर में. अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिंक हियर. अब इन सभी लेटर्स को GHIJKLMNOP इनको हमें लिखना सीखना है. ओके, लेट्स सी कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हम कैपिटल G देख लेते हैं. सो आपको एरोस पे ध्यान देते हुए, पेंसिल की मूवमेंट पे ध्यान देते हुए जी को लिखना है. ऐसे स्मॉलर जी देख लेते हैं. सो एज यू कैन सी हियर द एरो, ऊपर जाएंगे फिर नीचे एंड देन टर्न. ओके, सो जी हो गया, कैपिटल एच, द स्ट्रेट लाइन, देन वन मोर स्ट्रेट लाइन एंड देन वी विल एड दीज टू लाइन्स. Then smaller H, one straight line. और फिर आपको देखना है कि arrows कहाँ दिए हुए हैं, उसी तरीके से हमें pencil को move करना है. Capital I, इसके लिए हम straight line खींचेंगे. Okay? Then we have to write smaller I, तो एक straight line and we have to make a dot over it.
Okay, then J, as you can see here, a straight line with a curve. So next देख लेते हैं, smaller J, yes, it is like similar J, लेकिन नीचे के केस में हम लिखेंगे, okay? और एक dot भी ऊपर लगाएंगे. फिर capital K, a straight line, and we will make it like the arrow is going, okay? Arrow को follow करना है. Then smaller K, as you can see the difference, yes, like this. Okay, now capital L, it's very simple, a straight line, okay, and yes. Now the smaller L, it is simple straight line, okay. Now let's see the M, capital M, very simple, follow the arrow, follow the movement of the pencil and try it again and again in your notebook. आपको ध्यान से यहाँ देखना है कि मैं कैसे लिख रही हूँ. अब smaller M देख लेते हैं. इसमें हमें एक साथ पूरा लिखना है, पेंसिल को उठाना नहीं है बीच बीच, ठीक है? एरो को फॉलो करते हुए एक साथ पूरा लिखकर ही पेंसिल को उठाना है. नाउ कैपिटल एन, यस, दिस वे, एंड प्लीज फॉलो द एरो एंड मूवमेंट ऑफ द पेंसिल. नाउ स्मॉलर एन, इसमें भी हमें पेंसिल को नहीं उठाना है. ओके, नाउ द ओ, वेरी सिंपल, इट इज लाइक जीरो ओनली, isn't it? हमें जीरो की तरह इसको बनाना है. फिर smaller O, like same, yes. Then capital P, straight line, और फिर हम इसको ऐसे curve करेंगे. Arrows देखिए. फिर smaller P, a straight line, and again follow the arrow and movement of the pencil. ओके, सो इसके साथ हमने सारे लेटर्स जो हमको जी से लेके पी तक लिखने को कहा था हमने लिख लिया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज सेइंग लेट अस स्पीक. यहाँ पर हमको लेटर के साउंड्स को बोल बोल कर अच्छे से समझना है. कुछ लेटर्स दिए हुए हैं एफ जी एच आई जे, इनसे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें ध्यान से पढ़ना है. एंड वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, कि सबसे पहले क्या सुनाई दे रहा है. लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले है F. F से तीन वर्ड्स दिए गए हैं. F for fox. F को जब हम बोलते हैं तो F साउंड आता है. F. F for fox. F for foot. Foot. F for fish. Fish. ऐसे आपको बार बार बोलना है. ओके, नाउ लेट्स सी G. G जब हम बोलते हैं तो G साउंड आता है, हिंदी का G. ओके, G for goat. Goat, gate, gate, girl, girl. Okay, let's see the H. So H for house, house. H से H का sound आता है. Okay, hand, hand, hut, hut. Hut means झोपड़ी. Let's see the next. It is I. I for iron. Iron, okay, ice, ice, inkpot, inkpot, I भी हो गया. अब J देख लेते हैं. J for jacket, jaw का sound आ रहा है, right? Jaw, jacket, jackfruit, jackfruit को हिंदी में हम कटहल भी बोलते हैं. Jackfruit, jug, jug. ओके, सो इस तरीके से हमने सारे लेटर्स को बोल के देखा कि किसका क्या साउंड है. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज सेइंग से अलाउड ईच लेटर. इसमें हमें जो भी लेटर से रिलेटेड पिक्चर दी हुई है उनको हमें अच्छे से बोलना है. हमें देखना है कि किस पिक्चर का जो पहला लेटर है वो इस लेटर के साउंड से मैच होता है. लेट्स सी कैसे करेंगे हम. सो पहला रो देख लेते हैं. पहला रो जो है उसमें जी लेटर दिया हुआ है. पिक्चर्स देख लेते हैं. हाउस, house, girl, girl, iron, iron. तो इसमें girl जो है वो G से start हो रहा है, right? Sound भी G का क्या था? G. तो हम क्या करेंगे? इस picture को encircle कर देंगे. Okay? Let's see the next row. So F से देखना है. पहला क्या picture है? Flower, flower, horse, horse. Star, star,
ओके, तो यहाँ पर एफ से फ का साउंड आता है, मैंने आपको बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लावर, तो फ्लावर को इनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है जे, जैक फ्रूट, देन बी, बी मधुमक्खी, ओके, देन हैंड, हैंड, तो जे से क्या है, जैक फ्रूट, सो वी विल इनसर्कल दिस पिक्चर। नेक्स्ट है एच, तो देख लेते हैं, पहला पिक्चर है कैट, कैट, काइट, काइट, हट, एच का साउंड क्या होता है, ह, तो हट, इसीलिए हट से मैच हो रहा है, तो हट को हम इनसर्कल कर देंगे, ओके, सो आपको साउंड्स पे ध्यान देना है कि किस लेटर का क्या साउंड है, ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस सिंग, सो वी हैव टू सिंग अ पोएम, हॉप अ लिटल, ओके, ये पोयम का नाम है हॉप अ लिटल, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमको नए नए मिलेंगे और हमें सीखने को मिलेगा, तो पहले हम पोयम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सभी न्यू वर्ड्स को जानेंगे, ओके, सो लेट्स सिंग द पोयम फर्स्ट, यस, हॉप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3, हॉप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3, 1 2 3, stamp a little, skip a little, tap one knee, stamp a little, skip a little, tap one knee, tap one knee, dance a little, twist a little, shake your hand, dance a little, twist a little, shake your hand, shake your hand, yawn a little, sleep a little in your bed, yawn a little, sleep a little, in your bed, in your bed, in your bed. So, we have just completed a very small and cute poem. What is the main aim of this poem? इस poem के through हमने बहुत सारे new words सीखे. एक एक करके हम इन सभी words को अच्छे से जानेंगे. Okay, let's start. So first word हमने सीखा hop. What is the meaning of hop? Hop means to make a short leap on one foot. Okay, jump और hop में क्या difference होता है? जब हम एक पैर पर कूदते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये girl कर रही है, तो इसको हम hopping बोलते हैं. Okay, ये एक verb है, एक क्रिया है, काम करते हुए दिखा रहा है कि हम हॉपिंग कर रहे हैं, मतलब कि एक पैर पर कूदना, ओके, इसको हम हॉप बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जंप. जंप इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हॉप. हॉप में हम एक पैर पर कूद रहे होते हैं. इन जंप एज यू कैन सी टू स्प्रिंग इनटू द एयर, पूरी तरीके से दोनों पैरों को जल्दी जल्दी उछालते हुए हम कूद रहे हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, स्टैम्प. स्टैम्प मतलब होता है टू वॉक विद लाउड हैवी स्टेप्स, तेज तेज पैरों से आवाज करते हुए चलना. कभी कभी होता है हम पैरों को जोर जोर से बजाते हुए चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैम्प. आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी डेली लाइफ में यूज भी करने हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्किप. स्किप मतलब होता है टू जम्प ओवर अ रोप. आपने ये रोप से गेम खेलते हुए देखा होगा, इसको स्किपिंग बोलते हैं. Okay, रस्सी कूदना, so, ये हो गया. नेक्स्ट है टैप. टैप मतलब जब हम पैरों से या हाथ से स्लाइटली अपनी फिंगर्स को मूव करते हुए धीरे धीरे बजाते हैं, तो उसको हम टैप कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दिस गर्ल इज टैपिंग, राइट, यस. नेक्स्ट इज डांस. सो वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक कि मुझे बताना होगा डांस का मतलब क्या होता है, बट यस, टू मूव अराउंड टू द रिदम ऑफ म्यूजिक बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. म्यूजिक को सुनते हुए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में मूव करना, एक तरीके के स्टेप्स को फॉलो करना, उसे हम डांस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ट्विस्ट. ट्विस्ट मींस टू बेंड और टर्न समथिंग इन अ पर्टिकुलर शेप, एक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर शेप में किसी चीज को मूव करना. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शी इज मूविंग हर वेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज ट्विस्ट. नेक्स्ट इज शेक. शेक करना मतलब क्या होता है, क्विक मूवमेंट. जैसे आप हैंड शेक करते हैं, हाथों को मिलाते हैं आपस में, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, वैसे ट्विस्ट मतलब होता है कोई सा भी क्विक मूवमेंट. ओके, सो नेक्स्ट इज यॉन. व्हाट इज यॉनिंग? जब हम उबासी लेते हैं,
अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, टू ओपन योर माउथ वाइड एंड ब्रीद इन डीपली, स्पेशली व्हेन यू आर टायर्ड और बोर्ड। जब आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं, जब आपको बोर फील हो रहा है, तब आपको उबासी आती है। उबासी को ही इंग्लिश में यॉनिंग बोलते हैं। ओके, लास्ट वर्ड इज स्लीप। यहाँ पर जब हम सो रहे होते हैं उस समय को हम स्लीपिंग बोलते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अदर पार्ट ऑल्सो, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी और हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है इस चैप्टर में। तो जल्दी जल्दी अगर मैं कवर करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, दो या तीन पार्ट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।